पहुंच गए, पर हमें सबको सावधानी से चलना होगा। ये सिटी कुछ अजीब लग रही है, जहां भी देखो ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स है। यहाँ पर हर कोई ब्रिलियंट है क्यूब गेम्स में। ये गलत कर रही हो। अरे कर भला तो हो भला, इतने छोटे से बच्चे को क्यूब पकड़ा दिया, उसको सॉल्व करते करते तो सुबह से शाम हो जाएगी। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मेरे बंटी के माइंड पर शक है? भाई साहब, हर चीज उम्र से नहीं जीती जाती। मेरा बंटी छोटा है, पर उसकी मेंटल पावर तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा शर्त लगा लो, अगर तुम जीत गए तो ठीक, पर अगर मेरा बंटी जीता ना तो तुम्हें इसे घुड़सवारी करवानी होगी। बस इतनी सी बात, मुझे शर्त मंजूर है, घुड़सवारी ही करवानी है ना। कौन से पत्थर तोड़ने हैं? ये रंगीला भीना बिना सोचे समझे शर्त लगा बैठते हैं। अंकल को कुछ नहीं आता, अंकल क्यूब नहीं बना पाए। अब मेरी बारी। ये बच्चा है कि क्यूब मास्टर? ठीक है तुम जीते। मैडम घोड़ा कहाँ है? मैं बंटी को घुड़सवारी करवा देता हूँ। घोड़ा तो हमारी सिटी में है ही नहीं, इसलिए तुम घोड़ा बनो और बंटी को बिठाकर सवारी करवाओ। क्या? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। मैं अपने वादों का पक्का हूँ रुद्रा, तुम चलो मैं इसे घुड़सवारी करा के आता हूँ। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। सुनिए, क्या कोई हमें आपके मेयर से मिलवा सकता है? अरे वो सामने पेड़ के पास हमारे मेयर बैठे हैं। अरे ये लोग कौन है? मेयर सर, क्यूब मजिशियन ने हमारे दादाजी और दुनिया के सारे बड़े मजिशियंस को कैद करके रखा है, तो उन्हें छुड़ाने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। तो ये बात है रुद्रा, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो हमारी क्यूब सिटी का होकर भी हमारा नहीं है, क्योंकि वो सबसे अलग थलग रहता है। उसने अपनी मैजिकल पावर का यूज हमेशा गलत काम के लिए किया है। उसकी इन्हीं सब हरकतों से तंग आकर हम लोगों ने उसे इस सिटी से आउट कर दिया। हम में से किसी को उसके बारे में पता नहीं है। सर, उसका एक असिस्टेंट भी है ना चिंपू, क्या उसकी कोई फैमिली रिलेटिव्स है? ओ हाँ, यस यस, उसकी फैमिली तो यही रहती है। हो सकता है वहाँ से तुम लोगों को कुछ पता चल जाए। कोई रुद्रा को चिंपू के घर लेकर जाओ। रुद्रा एक बात का ख्याल रखना, अगर उसे हराना है तो तुम्हें उसके क्यूब्स की मैजिकल पावर छीननी होगी। थैंक यू मेयर सर। ये रहा चिंपू का घर। थैंक यू। हमें चिंपू से मिलना है। एक बार वो हमारी सन सिटी आया था, तब हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा उसे मिलते चले और उसे ये छोटी सी गिफ्ट दे दे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर चिंपू तो अभी घर पर नहीं है। अगर तुम चाहो तो गिफ्ट मुझे दे दो। क्या आपको थोड़ा भी आइडिया है कि अभी हमें चिंपू कहाँ मिलेगा? ऑन द वे हुआ तो हम मिलते हुए निकल जाएंगे। बताया तो था, याद आया, वो किसी सन सिटी का नाम ले रहे थे। हाँ, वो सन सिटी के किसी पैलेस में अपने बॉस के साथ है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अरे रुद्रा,
रुद्रा मुझे भी तो ले चलो, घुड़सवारी कराते कराते होश उड़ गए। चल मेरे घोड़े। टिक टिक टिक। अरे कर भला तो हो बुरा, हमारे पैलेस पर हमारे ही खिलाफ पहरा बिठा दिया। पहले क्यूब्स की पावर खींचनी होगी। 22 का से 22 का क्यूब पावर पुलिटो। रुद्रा लौट आए, जाते भी कहां? दुनिया बहुत बड़ी है और बच्चों के गुम होने का खतरा होता है। जाओ जाओ और अपने दादाजी को क्यूब में कंपनी दो। जाओ। मैजिशियन, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। दादाजी किधर गए? दादाजी, दादाजी, दादाजी! रुद्रा, हाँ,
दादाजी। नहीं रुद्रा, तुम मेरे कैद किए मजिशियंस को नहीं छुड़ा सकते। रुद्रा रुक जाओ, तुमने बड़ी बहादुरी से हम सबको बाहर निकाला। इस क्यूब मजिशियन को उसकी जगह भेजने का काम मैं कर देता हूँ। जयसिंह जी प्लीज मुझे बाहर निकालिए। अरे कर भला तो हो भला, कुछ देर उसे रोक लेते तो मैं उसके ऊपर घुड़सवारी करता, उसके चक्कर में तो मैं पूरा घोड़ा ही बन गया था।